हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DSCG होम क्लासेस, ए डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। माई सेल्फ लाल सिंह, टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल, चंद्रकोट, डिस्ट्रिक्ट रामबन। क्लास 6 to 10, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, टॉपिक टेंस, सब टॉपिक पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी हम बात करेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस वी शो दैट द एक्शन वाज डन एट द पास्ट टाइम। वी शो दैट द एक्शन वाज डन एट द पास्ट टाइम। कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ होगा दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। जैसे आई वेंट टू स्कूल। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हमने पहली काइंड डिस्कस करनी है किसकी, पास्ट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी पहचान क्या, हिंदी में कैसे उसको पहचानेंगे हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में आया, गया, लाया, दिया आदि का प्रयोग होता है। जैसे वह स्कूल चला गया, वह स्कूल चला गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। द सिंपल पास्ट आर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रेफर टू इवेंट्स एंड एक्शंस दैट हैपेंड इन एन अर्लियर टाइम आर इन द पास्ट। यानी सिंपल पास्ट आर पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको रेफर करता है, वो इवेंट्स आर एक्शन जो कब हैपन हुए होंगे, अर्लियर टाइम में या पास्ट समय में। जैसे आई सॉ दिस फिल्म लास्ट ईयर, ये फिल्म मैंने कब देखी, लास्ट ईयर देखी। अब नोट, यानी मेन चीज़ इसकी क्या है, एंड इन असर्टिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस नो एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। कोई एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल नहीं होता। ऑनली मेन वर्ब, मेन वर्ब में भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्सिलरी वर्ब्स डिड इज यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑनली। यानी एक एक्सिलरी वर्ब जो डिड यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, किसके अंदर, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मेन यूज होगा, न कि वहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। जैसे वी वेंट टू जम्मू, ये है असर्टिव सेंटेंस। दे डिड नॉट लाइक द नेवी यूनिफॉर्म, इट इज नेगेटिव सेंटेंस। दे डिड नॉट लाइक द नेवी यूनिफॉर्म। They didn't help the poor. They didn't help the poor. Why did you go there yesterday? Why did you go there yesterday? Basic structure past indefinite tense की क्या है, कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे assertive या statement sentence, यानी इसी को affirmative भी कहा जाता है। सबसे पहले subject use होगा plus second form of verb use होगा प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर अगर हमने इसी को सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा, तो असर्टिव सेंटेंस को या पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डिड लगेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूज होगा, तो तब हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हमने अब पास्ट टेंस की जो पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ बी की जो पास्ट टेंस फॉर्म है वाज एंड वर है, यानी बी में जो वाज एंड वर है आर यूज्ड इन पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। वाज एंड वर सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन कहाँ यूज होता है, नोट, वाज इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। वाज यूज होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ। एंड वर इज यूज विद फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, वर जो होगा यूज होगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ यूज होगा। अब द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट
इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में होंगे, जैसे आई रेड द बुक यस्टरडे, आई रेड द बुक यस्टरडे, आई विजिटेड द चंडीगढ़ लास्ट ईयर, आई विजिटेड द चंडीगढ़ लास्ट ईयर, ही किल्ड द स्नेक यस्टरडे, ही किल्ड द स्नेक यस्टरडे, किल्ड जो इस इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है किल की, सेकंड फॉर्म है, विजिटेड जो है सेकंड फॉर्म किसकी है विजिट की, तो रीड की तीनों फॉर्म है, रीड होती है लेकिन पढ़ा जाता है रीड रेड एंड रेड, पढ़ने में इसके डिफरेंस है लेकिन फॉर्म जो है सारी सेम है। ये हैबिचुअल एक्शन आर कस्टम इन द पास्ट, कोई हैबिचुअल एक्शन आर कस्टम जो होगा पास्ट में वो भी पास्ट इंडेफिनेट में आता है, जैसे इन ओल्डन डेज द हिंदू वीडोज बर्न देमसेल्व अलाइव विद देयर डेड हस्बैंड, इन ओल्डन डेज द हिंदू वीडोज बर्न देमसेल्व अलाइव विद देयर डेड हस्बैंड, यानी ओल्डन डेज में हिंदू जो वीडोज होती थी उनको अपने हस्बैंड यानी अपने पति के साथ जिंदा जलाया जाता था। एक कंटिन्यूस पास्ट एक्शन, एज कंटिन्यूस पास्ट एक्शन कौन, वाइल द चाइल्ड वेप वी लॉफ्ट, जब बच्चा रो रहा था हम हंस रहे थे। वी कैन यूज यूज टू प्लस वर्ब, वी कैन यूज यूज टू प्लस वर्ब इन प्लेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस एक्शन विच हैबिट्स इन द पास्ट स्पेशली वेन द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट क्लियर, यानी हम वी कैन यूज करते हैं हम यूज प्लस वर्ब इन प्लेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस एक्शन विच इज हैबिट, जो पास्ट में हैबिट थी लेकिन स्पेशली उसमें एग्जैक्ट टाइम क्लियर नहीं। माई फ्रेंड यूज टू फीड स्पैरोज एवरी डे, माई फ्रेंड यूज टू फीड स्पैरोज एवरी डे, एन इवेंट विच अकर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट, एन इवेंट विच अकर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट, द पुअर ओल्ड वुमेन क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली, द ओल्ड वुमेन क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली, ही रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे ऑन मंडे लास्ट, ही रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे ऑन मंडे लास्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑक्युपाइड ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट विच इज नाउ एंडेड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑक्युपाइड ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट विच इज नाउ एंडेड एज, ही स्लेप्ट फॉर 4 hours, ही स्लेप्ट फॉर 4 hours, नॉट स्लीपिंग नाउ, ही स्लेप्ट फॉर 4 hours, नॉट स्लीपिंग नाउ, व्हेन आई वॉज यंग आई प्लेड फॉर क्लब, व्हेन आई वॉज यंग आई प्लेड फॉर क्लब, डू नॉट प्लेड नाउ, नोट नेवर इज यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेवर यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, नेवर यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, जैसे ही कैम यस्टरडे, इट इज करेक्ट सेंटेंस, ही कैम यस्टरडे, ही हैज कम यस्टरडे, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। अब हम यूज करते हैं यानी टेंसेज को विद प्रोनाउंस के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसे यूज किया जाता है, चार्ट ऑफ टेंसेज विद प्रोनाउंस। सबसे पहले हम बात करते हैं आई, पॉजिटिव में आई डिड माई वर्क, इसी का नेगेटिव आई डिड नॉट वर्क, इंटरोगेटिव डिड आई वर्क। अब वी के साथ बात करते हैं, वी डिड आवर वर्क, वी डिड नॉट वर्क, डिड वी वर्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यू के साथ पॉजिटिव सेंटेंस, यू डिड यूअर वर्क, नेगेटिव यू डिड नॉट वर्क, इंटरोगेटिव में डिड यू वर्क। इस तरह ही के साथ ही डिड हिज वर्क, नेगेटिव ही डिड नॉट वर्क, और इंटरोगेटिव डिड ही वर्क। अब हम बात करते हैं शी के साथ कैसे बनेंगे सेंटेंस, शी डिड हर वर्क, शी डिड नॉट वर्क, नेगेटिव और इंटरोगेटिव डिड शी वर्क। इसी तरह से इट के साथ इट डिड इट्स वर्क, नेगेटिव इट डिड नॉट वर्क, और इंटरोगेटिव डिड इट वर्क। दे के साथ दे डिड देयर वर्क, नेगेटिव दे डू नॉट वर्क, डिड दे
वर्क, थैंक यू।